यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रहज ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम यास्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, एक प्रसंग याद आता है। बीना बारा से गुरुवर पूरे संघ सहित जबलपुर की ओर जा रहे थे। राजमार्ग पड़ता है, रास्ते में नेशनल हाईवे है। हाईवे में विहार करते वक्त सुबह सुबह एक गाय को ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने पर पीछे का जो भाग था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। गाय रोड पर ही ऐसी लेटी हुई थी। पूज गुरुवर निकले तो चलते चलते गुरुवर को लगा, गुरुवर रुक करके गाय के पास जाकर के उसके कान में स्वयं नमोकार मंत्र सुनाने लगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सभ्य साहूणम। गुरुवर ने 9 बार नमोकार मंत्र स्वयं उस गाय को सुनाया और देखते ही देखते गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए। आचार्य श्री जी उठे और हल्का सा मुस्कुराते हुए फिर जबलपुर की ओर विहार कर दिया। गुरुवर के साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे। सभी लोगों ने इस दृश्य को देखा। दृश्य देखने के बाद बहुत सारी जनता में से एक व्यक्ति गुरुवर के सामने आकर के गुरुवर से प्रश्न करता है कि महाराज, मंत्र शक्ति से देवगति मिलती है कि आत्मशक्ति से देवगति मिलती है? उस गाय को क्या पता कि आप नमोकार मंत्र सुना रहे हैं? तो उनका प्रश्न बहुत जायज था। हो सकता है यह प्रश्न आपके मानस में भी पैदा होता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से बरसों से सिर्फ आत्मा की शक्ति की चर्चा करी है। आत्मा में अनंत शक्ति होती है, आत्मा की 47 शक्तियां होती हैं, आत्मा में ऐसा होता है वो, आत्मा की बहुत सारी बात करते हैं, सिर्फ शाब्दिक बातें करते हैं। प्रयोगात्मक रूप में तो वो आत्मा को छूना भी पसंद नहीं करते जो आत्मा की रोज बात करते हैं। उन्हीं लोगों से अगर थोड़ा भी कहा जाए कि भैया अष्टमी चतुर्दशी है, आचार्य वीरसेन स्वामी के साथ दूसरे भी आचार्यों ने इस बात को कहा है कि पर्व के दिनों पे एकासन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जंगलों में जाकर के, शमशान घाट में जाकर के थोड़ी सी साधना करके देखना चाहिए कि एकत्व विकृति कैसी पली है। ये जो आत्मा की बात करने वाले बहुत सारा एक वर्ग है बंधु दुनिया में, जैन समाज का भी है और जैन समाज के बाहर भी है। ये शाब्दिक व्याख्याएं तो आत्मा की बहुत करता है, प्रयोगात्मक रूप से शून्य पे खड़ा है, इसलिए आज तक किसी समाधान को प्राप्त नहीं हो पाए। गुरुवर से पूछ लिया कि मंत्र की शक्ति से देवगति मिलती है गुरुवर, कि आत्मा की शक्ति से? आचार्य सी जी ऐसे हाजिर जवाबी महापुरुष हैं कि एक सेकंड नहीं लगा गुरुवर मुस्कुरा करके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देख करके बोलते हैं, लकड़ी के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा बताओ? प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न गुरुवर ने खड़ा किया
कि लकड़ी के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, लकड़ी गीली हो जाएगी, और पेड़ में पानी डालोगे तो क्या होगा, लकड़ी में पानी डालेंगे तो लकड़ी गीली हो जाएगी निश्चित, लेकिन अगर हम पेड़ पे पानी डालेंगे तो पेड़ में पानी जाने पर पेड़ पानी को खींच करके पत्तियों में, फल में, जड़ों में विस्तार करके अपने विस्तार को प्राप्त कर लेगा। गुरुवर कहते हैं कि जीव और पुद्गल की दोनों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। उस जीव और पुद्गल की मिली हुई शक्ति का जब प्रयोग चलता रहता है जीवन में, उस समय ये मंत्र की शक्ति, भले वो मंत्र पौद्गलिक है, लेकिन पौद्गलिक होने के बावजूद जीव के कानों में जब दिया जाता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाया जाता है, तो वो ऐसा काम करता है कि वो जाकर के उसको सामने वाले को देव गति में ले जाकर स्थापित कर देता है। अगर उसी मंत्र को किसी निर्जीव व्यक्ति के सामने सुनाया जाए तो, गीली लकड़ी पर पानी डाला जाए तो, लकड़ी गीली तो हो सकती है लेकिन लकड़ी पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकती। लेकिन पेड़ में, पेड़ क्या है, पेड़ लकड़ी नहीं है, पेड़ में भी लकड़ी है, उसी लकड़ी में चूंकि उसका संबंध मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़े हुए संबंध होने के कारण और संबंधों में अति गहराई होने के कारण, श्रद्धा साथ में होने के कारण, ये जीव की शक्ति और मंत्र की शक्ति, दोनों शक्ति मिल करके आदमी को देव गति तक ले जाती है। जब सेठ सुदर्शन ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, उस समय कुत्ते को नहीं पता था कि हमको नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है, लेकिन मंत्र की शक्ति का अपना प्रभाव था कि उस मंत्र की शक्ति के कारण कुत्ता यक्ष बन गया। सुदर्शन यक्ष बन करके प्रथम स्वर्ग में महर्दिक जाति का देव बन गया, मंत्र का प्रभाव था। बंधु, कई लोगों के अंदर ऐसी धारणाएं जो रहती हैं कि आत्मा की शक्ति से दुनिया के सारे काम होते हैं, बेनिरर्थक लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वही जीव आत्मा आप आत्मा के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत पुद्गल की शक्तियों का प्रयोग करती है और अपने जीवन में अतीव सौंदर्य विकसित हो जाता है। पूज्य गुरुवर निरंतर चलते भी जा रहे थे, बगल वाले व्यक्ति को समझाते भी जा रहे थे, उनसे पूछते भी जा रहे थे, उनका उत्तर भी देते जा रहे थे। वो भी सामने वाला, चूंकि जब कभी भी लंबा मार्ग तय करना हो तो जिह्वा रूपी रथ पर जब हम बैठ जाते हैं तो मार्ग कितनी जल्दी तय हो जाता है पता नहीं चलता। आपने घोड़े का रथ, हाथी का रथ सुना था, जिह्वा रूपी रथ को सुना है कभी? जिह्वा रथ भी होता है। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं, अकेले बैठे रहिए, दिमाग खराब हो जाता है, फिर क्या करते हैं, पड़ोसी से बातें करते रहते हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्या करते हैं, परिवार में कितने बच्चे हैं, आपके यहाँ क्या होता है, हमारा तो ये त्यौहार है, ये तो हमारी गणेश चतुर्थी है, हमारी महावीर जयंती है, दुनिया भर की बातें घंटों करते 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 थक जाते हैं तो थोड़ी देर आँख बंद करके सो जाते हैं, फिर जैसे चेतना जागृत होती है फिर संवाद शुरू करते हैं, आप चाय लेंगे क्या, हम तो चाय पीने जा रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया जमाने की। जब तक स्टेशन नहीं आ जाता, जैसे आप ट्रेन में बात करते रहते हैं सफ़र में, ठीक ऐसे ही जब मार्ग में पैदल चला जाता है, तो आचार्यों ने कहा है कि जिह्वा रूपी रथ पर अगर आप बैठ जाएंगे तो मार्ग 10 किलोमीटर का पार हो गया पता नहीं चलता। तो दोनों जिह्वा रूपी रथ पर बैठ गए थे। गुरुवर तो चलते ही हैं, वो तो आत्मा के रथ पे चलते हैं और जिह्वा भी उनका हमेशा साथ देती है। बगल वाले व्यक्ति को जब एक उदाहरण दिया कि गीली लकड़ी से लकड़ी के ऊपर पानी डालने पे क्या होता है और पेड़ पर पानी डालने पर क्या होता है, उसको बहुत कुछ बात समझ में आ गई, लेकिन अपनी बात का पुष्टिकरण करने के लिए गुरुवर ने दूसरा एक और उदाहरण दिया। पूज्य गुरुवर दूसरे उदाहरण में बहुत अच्छे से कहते हैं, ये जो आप लोगों का शरीर बनता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बॉडी बनाना कहते हैं, ये भोजन को करने से बनता है कि भोजन को पचाने से बनता है? कैसे बनता है? भोजन हमने बहुत सारा अंदर डाल लिया, अब डाल तो लिया, पच नहीं रहा, अफरा हो गया महाराज, पेट बड़ा टाइट है, फिर क्या करें,
कायम चूरन। फिर उसके बाद दूसरी क्रीमालैक्स की गोली, डल्कोलैक्स, क्रीमालैक्स, लैक्सेटिक के जितने भी कंटेंट हैं वो खाए। महाराज क्या बताएं, पार्टी में गए थे, साली ने कहा एक रसगुल्ला जीजा जी तो वो ले लिया, फिर ससुर जी आ गए उन्होंने कहा एक पुड़ी सो वो ले लिया, कढ़ी बोली सो कढ़ी खा ली, महाराज पेट में बड़ा सूल में पीड़ा हो रही है। खाया तो सब अच्छा है, जब सब अच्छा खाया है तो शांति रखो, 8 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। 8 घंटे में क्या ठीक हो जाएगा महाराज, हम ही ठीक हो जाएंगे, ये इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गया है दुनिया में। आज भी भारत में कम खाने से, भुखमरी से लोग कम मरते हैं, आपको आश्चर्य होगा ओवर डाइटिंग से लोग मरते हैं। ओवर डाइटिंग से मैक्सिमम लोग भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में मरते हैं बंधु। आप सोचिए कि वो भोजन जिसको खाने से आपकी बॉडी बनती है, अगर आप ज़्यादा खा लें और पचा ना पाए तो क्या वो शरीर में लगता है? नहीं लगता महाराज। फिर क्या कहते हैं गुरुवर, कहते हैं भोजन खाने से बॉडी नहीं बनती, भोजन को पचाने की ताकत से बॉडी बनती है। खाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब तो खा नहीं पाते। अब शरीर के अंदर जब श्रद्धा रूपी कोई शक्ति होगी तो वो मंत्र की शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति के साथ मिल करके जीवन में कमाल दिखा देती है। लेकिन हम पचा ही नहीं पाते हैं इस बात को कि मंत्र की शक्तियां भी काम करती हैं। उनसे बोलो नमोकार मंत्र की माला फेरो, बोलते महाराज आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव तो प्रभाव से भिन्न है, चैतन्य चमत्कारी आत्मा के दर्शन करेंगे, ये मंत्रों में कहाँ उलझा दिया महाराज, ऐसी बातें करते हैं। और जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि शुद्धोपयोग गृहस्थ आश्रम में अवकाशो नास्ति, यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्धोपयोग गृहस्थ आश्रम में हो नहीं सकता, उनको गृहस्थी में बैठे बैठे केवल ज्ञान की किरण झलक जाती है, तो पुस्तक छाप मारते हैं ऐसा देखिएगा आप। अरे महाराज जब वो सम्यक दर्शन होता है तो ऐसे आत्मानुभूति होती है, अंदर पता चलता है कि मैं कुछ हूँ, अभी तक पता नहीं चल रहा था कि मैं कुछ हूँ, जब सम्यक दर्शन होगा तब पता चलता है उनके यहाँ। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की पहचान कुछ होने और नहीं होने से नहीं, उनके 8 अंगों में अपनी जीवन शैली को खोजने से होती है। किसी व्यक्ति को देख करके अनुकंपा का भाव पैदा होता हो, करुणा भावो या मनु तिर्येषु, करुणा भाव के साथ मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति उदारता बढ़ती जाती हो। घर के अंदर तो जरूरत की पूर्ति खूब करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जितना अपना घर देखता है उतना पूरी दुनिया को भी देखता है। भैया यहाँ कमी है, मेरे पास है, आप ले लीजिए, आपके काम आ जाएगा। अनुकंपा है, आस्तिक है, प्रशम है, संवेग भाव है, वात्सल्य है, प्रभावना है, इसके माध्यम से सम्यक दर्शन की पहचान होती है। ये पहचान उनको सहनी नहीं है। उनको कौन सी पहचान सहनी है? उनको पहचान सहनी है, अरे महाराज वो अभी बैठे थे समाइक में, अंदर कुछ हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महाराज, कढ़ी पुड़ी खा करके बैठे थे, झटका आया, 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, नींद में कि शुद्धोपयोग में। भगवान मालिक है, भगवान मालिक है बंधुओं। शब्दों का अध्यात्म और हकीकत के अध्यात्म में जमीन आसमान का अंतर है। वे लोग माला फेरना पसंद नहीं करते, माला बोले परावलंबन से महाराज जी कभी भी आत्मा को शक्ति नहीं मिलती। वो मंत्र की शक्ति को भी पर बुद्धि और हे बुद्धि से पूजा भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अच्छे द्रव्यों के साथ, अरे हो गया दे दो चढ़ाना है, इससे क्या होता है, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष कटाएगी, जिनकी भाषा ही बिल्कुल विचित्र प्रकार की होती है। ऐसे लोगों में से जब कभी गुरुवर के साथ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं और जब गुरुवर को समझ में आ जाता है कि ये वैसे ही लोग हैं, फिर तो गुरुवर ऐसा गहरा गहरा देते हैं जैसे सस सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। नाव के ऊपर बैठिए, नाव के चलाने का जो चप्पू होता है छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो अंदर से जाकर के पानी को हिलाता है तो भारी भरकम नाव भी एक आदमी यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाता है। ऐसे गुरुवर के शब्द होते हैं,
गुरुवर अपने शब्दों में सामने वाले से कहते हैं, कैसे बनता है भैया, बताइएगा थोड़ा सा। उन्होंने कहा, महाराज कहते तो आप ठीक हैं कि पचाने से कीमत बढ़ती है, खाने से कीमत नहीं बढ़ती। गुरुवर से फिर ना रहा गया, फिर एक तीसरा उदाहरण गुरुवर ने और दे दिया, आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएं। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक गुरुवर कुछ ना कुछ उदाहरण देते ही रहते हैं। गुरुवर ने कहा कि वो जो भंगार में लोहा पड़ा रहता है कितने रुपए किलो बिकता है आपके यहाँ भंगार का लोहा? महाराज 25-30 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, लोहा 30 रुपए किलो बिकता है और उसी का इंजेक्शन बना करके जब उसकी सुई बना दी जाती है तब वो सुई कितने की बिकती है? अरे महाराज एक सुई ही 30 रुपए की बिकती है। गुरुवर पूछते हैं कि उस लोहे में और इस लोहे में अंतर क्या है ये बता दो। दोनों तो लोहा है, एक किलो लोहा भी 30 रुपए का और एक बेहतरीन कंपनी की सिरिंज वेस्पो कंपनी की 2-5 रुपए की मिल जाती है, अच्छे जो कांच के सिरिंज आते हैं लगाने वाले कीमत ही 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए की होती है। गुरुवर पूछते हैं कि ये 5 ग्राम के लोहे में और 1 किलो लोहे में अंतर क्या है? सामने वाले के मुंह में जवाब नहीं है, महाराज इसको तो बस इसको शॉर्प कर दिया है और प्यूरिफाइड कर दिया है। गुरुवर बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिंदगी में सामर्थ्य अपने पास बहुत है लेकिन हमने कभी भी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया।